हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चैनल में। आज इस वीडियो में मैंने NUBM 08 लेज़र डायोड बेस्ड मॉड्यूल को थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ। ये लेज़र डायोड एक्चुअली CW मोड, जो कि कंटिन्यूस मोड है, उस पर चलता है, जिसका एवरेज ऑप्टिकल पावर 4.7 वाट से लेके 5 वाट तक है एट 3 एम्पियर के कंजम्पशन पे। मैंने एक छोटा सा टेम्परेचर प्रोब लगाया है जो कि मल्टीमीटर से कनेक्टेड है। जैसे लेज़र डायोड ऑन हो जाएगा, हमें उसका जो रियल टाइम टेम्परेचर है वो हमें मल्टीमीटर पे कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। अब जो पावर कंजम्पशन का पार्ट जो है वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं अभी इसमें जो मैंने मॉडिफिकेशंस किया है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो फ़ैन यूज़ किया है वो एक्चुअली ड्यूअल फ़ैन है, जो 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर में यूज़ होता है, जिसका RPM अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है, जिसके कारण उसका एयर फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है। ये फैंस है जो सर्वो में बेसिकली कूल करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैंने इसे पल्स मोड पे ट्राई किया हूँ। पल्स मोड एक्चुअली लेज़र डायोड का पावर कंजम्पशन थोड़ा कम करता है एंड एट द सेम टाइम ऑप्टिकल पावर भी स्लाइटली बढ़ा देता है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वाट से लेके 1.2 वाट तक इसमें बढ़ा है। यहाँ मैंने आर्डिनो मेगा यूज़ किया हूँ। तो जैसे ही कंप्यूटर से उसे डेटा मिलेगा तो आर्डिनो अपने 7 पिन से डिट सिग्नल्स भेजेगा इस ग्रीन वाले बोर्ड ब्रेकआउट बोर्ड को। तो ये बेसिकली एक पल्स जनरेटिंग मॉड्यूल है। इसका जो पल्स विड्थ है वो बेसिकली हम यहाँ पर जो RC सर्किट दिखाया है उसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। तो जैसे आर्डिनो से सिग्नल मिलेगा तो ये 10 to 15% ड्यूटी साइकिल पल्सेस जनरेट करते रहेगा, जिसका पल्स विड्थ लेस देन इक्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल पावरिंग नहीं किया हूँ किसी भी मॉड्यूल को। तो जैसे ही मैं पावर दूंगा तो ये बक कन्वर्टर को पहले पावर मिलेगा, जो कि MOSFET को फिर पावर अप करेगा, एंड देन उसके बाद जो यहाँ पर आर्डिनो से या फिर इस पल्स में सिग्नल मिलेगा वो जाकर हमारे लेज़र को स्विचिंग करने लगे। स्टार्टिंग के फेस में मैं अभी फ़िलहाल कंटिन्यूस इसमें स्टार्ट करूँगा, जो कि डायरेक्ट आर्डिनो से सिग्नल फेच करेगा। अभी हम फैन स्टार्ट करके देखते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना लाउड वॉइस में चलता है। तो बेसिकली ड्यूअल फैन है, जिसके कारण जो हवा का एयर फ्लो है वो एकदम ज्यादा रहता है। तो अभी फिलहाल हम जैसे आप देख पा रहे हैं इसका हवा का एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये नॉइज भी ज़्यादा एकदम हाई कर रहा है। इसका अप्रॉक्सीमेटली RPM अराउंड 10,000 RPM का कुछ है ड्यूअल मोटर्स का, दोनों का मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 RPM होता है। अभी फिलहाल हम लेज़र को स्टार्ट करके देखते हैं, लेज़र के हम पावर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेज़र के लिए जो पावर लगाया है वो यहाँ पर बक मॉड्यूल लगाया हूँ, और इसका इनपुट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट का है, और इसका जो वोल्टेज सेट किया है वो यहाँ पर मैंने 5.3 तक का वोल्टेज है, पर एक्चुअल वोल्टेज हमें यहाँ से मिलेगा जो डायरेक्ट लेज़र मॉड्यूल का है। तो जितना भी लेज़र मॉड्यूल कंज्यूम करेगा वोल्टेज एंड करंट वो हमें इस तरह इस जगह से मिल जाएगा इस मॉड्यूल से। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले अभी फ़िलहाल आर्डिनो को GRBL के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें लेज़र का टेम्परेचर मिलेगा, जितना भी टेम्परेचर होगा इसका तो वो हमें उस प्रोब के थ्रू यहाँ से हमें इसमें मिलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए तो ये रूम टेम्परेचर है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो अभी हम लेज़र को कंटिन्यूस मोड पे ऑन करके देखते हैं कि कितना कंज्यूम करता है करंट एंड वोल्टेज। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4.1 वोल्ट से 2.97 एम्पीयर करंट कंज्यूम कर रहा है हमारा लेज़र डायोड।
यहाँ पर बीन भी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा हॉट है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेट फोकस भी नहीं है, बट स्टिल मुझे हीट फील हो रहा है इधर। यहाँ पर हम टेम्परेचर देखें तो ये इतने जल्दी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पहुँच चुका है। अभी तो थोड़ा देर हम वेट करके देखते हैं कितना पहुँचेगा ये। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है लेज़र को ऑन होते हुए, बट इतने जल्दी वो 29 डिग्री से 36 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है अप्रॉक्सीमेटली। तो 35-36 से वो चल रहा अभी, 36 पे फिक्स हो चुका है। तो हम इसके बाद अब पल्सिंग में करके देखते हैं कि वो कितना टाइम लगेगा। तो वंस एक कूल डाउन हो जाएगा, फिलहाल मैं लेज़र ऑफ कर देता हूँ। अब ये जैसे कूल डाउन हो जाएगा तो हम इसके बाद इसको वापस से पल्सिंग मोड में चेक करते हैं कि कितना ये एम्पियर कलेक्ट करता है और कितनी जल्दी टेम्परेचर राइज होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका 7th पिन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट किया है बिना पल्सिंग के। तो अभी फिलहाल पल्सिंग के लिए मैं यहाँ से इसे निकाल कर इसके पल्सिंग मोड जो आउटपुट है ये आईसी का वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ जो कि यहाँ है। तो हमें जितने भी पल्सेस आएंगे इसमें से उसका 100 माइक्रोसेकेंड का उसमें होकर वो हमें मिलता रहेगा। तो अगर इनकेस अगर इसमें से जो पल्सिंग वैल्यू आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 माइक्रोसेकेंड का है या 200 माइक्रोसेकेंड का आता रहेगा, जो डिफरेंशियली चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हमारा PWM सिग्नल आते रहेगा, तो उस हिसाब से इसमें हमें मिलता रहेगा। हम लोग को डायरेक्टली फिक्स माइक्रोसेकेंड मिलेगा जो कि 100 माइक्रोसेकेंड है। अभी यहाँ इसका लेज़र का मॉड्यूल का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीग्रेड आ चुका है। तो हम फिलहाल वापस ट्राई करते हैं पल्सिंग मोड में कितना हमें करंट खींचता है। जैसे आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 1.9 वोल्ट पे 0.42 एम्प्स कंज्यूम कर रहा है। तो अभी इसे हम बढ़ाकर देखते हैं कि कितना और 3 एम्पियर तक बढ़ाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कितने वोल्ट को 3 एम्पियर कंज्यूम होगा। यहाँ हम वोल्टेज को रेडिएट करते जाएंगे, वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है करंट भी इंक्रीज होते जा रहा है जो लेज़र कंज्यूम कर रहा है। टू पॉइंट फाइव वोल्ट पे 3 एम्पियर का कंजम्पशन है जो कि पहले 4.1 वोल्ट पे 3 एम्पियर का कंजम्पशन था। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली हाफ वोल्टेज का इसमें आ चुका है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं नियरली कुछ 1 मिनट तक का मैंने ये रखा है रन टाइम था अभी, तो उसमें मुझे 37 डिग्री हुआ। बट हालांकि ठीक है क्योंकि पिछले बार तो जस्ट 10 सेकेंड्स भी नहीं हुआ था एंड उसी में मेरा टेम्परेचर 36 डिग्री तक चला गया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये लेज़र है ये एक्चुअली PW मोड पे चलने वाला लेज़र है और इसका एक फैसिलिटी एक और ये नहीं है कि पल्सिंग मोड भी हम इसे कर सकते हैं जिसके कारण हमें इतना ये कम वोल्टेज एंड पावर में कम पावर कंजम्पशन पे हम इस चीज़ को नियरली 5 वाट तक का कंजम्पशन ये कर सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाए।